नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है एक्सरसाइज 7.1 का, तो इसके लिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। मतलब लास्ट के दो क्वेश्चन से जो इस एक्सरसाइज 7.1 के, उसमें हमें चूज करना है कि कौन सा इसमें आंसर सही आएगा। तो कहता क्या है 21 में, द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव के बारे में हम जानते हैं कि यह इंटीग्रल्स की बात करता है, मतलब कि इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद देखना कि कौन सा आंसर सही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन रूट एक्स का और प्लस 1/√x का करना है। रूट एक्स का अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों को अलग अलग यदि सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 पावर प्लस, और इस 1/√x में रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर आ जाएगी 1/2 माइनस में, ऐसा आ जाएगा। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे भी dx रहेगा, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस इधर x की पावर -1/2 प्लस 1 और इधर नीचे -1/2 प्लस 1 प्लस का c लगा देंगे। x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3/2, मतलब इधर बन जाएगा x की पावर 3/2, नीचे ये भी जुड़ेगा तो आएगा 3/2 प्लस x की पावर -1/2 में 1 को प्लस करेंगे, मतलब 1 में हाफ कम कर देना है तो हाफ ही बचेगा, सेम नीचे हाफ ही आएगा, जितना पावर आता है उतना ही नीचे आता है, प्लस का c तो लगा ही रहेगा। अब नीचे देखिए कि, अब आगे देखिए कि 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, मतलब इधर आएगा 2/3 और x की पावर आएगा 3/2 और प्लस में देखिए 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 आगे आएगा और x की पावर 1/2, तो 1/2 रहेगा प्लस में सी। अब इसके जैसा आंसर देखिए शायद कोई सा मैच कर रहा हो, तो फर्स्ट देखिए 1/3 नहीं मैच कर रहा है, हटा दो इसको, फिर इधर देखिए 2/3 x और 3/2 प्लस में हाफ आ गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है, इधर देखिए 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस सी, मतलब यह इसका आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन सही आएगा वो सी नंबर होगा। जय हिंद।